हैं। अभी हम मल्लेपुर का काली मंदिर आए हैं, देख सकते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। गाइज, आज का जो ब्लॉग है काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं जमुई घूमने। वहाँ का रोड गाइज काफी मजेदार है, बहुत ज्यादा मस्ती होने वाला है। और गाइज, जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें, वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे रील्स मिल जाएंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। गाइज, हम घर से निकल गए हैं, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, देख सकते हैं काफी शानदार मौसम है, ठंडा ठंडा लग रहा है एकदम। गाइज, तो अभी हम हमीरपुर पास कर रहे हैं, देख सकते हैं, उम्मीद है आपको आवाज आ रहा होगा। और यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग भी है, देख सकते हैं इधर पहाड़ी इलाका है, पार करने वाले हैं। ये अभयपुर का रेलवे क्रॉसिंग है, पार कर रहे हैं। और गेट गिरा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं बाइक लगा हुआ है और गेट भी गिरा हुआ है। तो जब तक ट्रेन क्रॉस नहीं करेगी, अगल बगल का हम आपको व्यू दिखा देते हैं। देखिए किस तरह का सुहाना मौसम है इधर। गाइस, यहाँ पे तो बात ही कुछ और हो गया, क्योंकि गेट गिरा हुआ था, हम लोगों को लगा कि ट्रेन आएगा, लेकिन काफ़ी इंतज़ार करने के बाद पता चला कि गेटमैन गेट गिरा के सो गया है। और जब हम लोगों को यह पता चला कि ट्रेन आएगा ही नहीं, तब जाके हम लोग उसको बोले, तब गेट उठवाए। तो गाइस, अब कचरा घुस गए हैं, फ्रेंड्स कचरा घुसने वाले हैं, देख सकते हैं पीछे, देखिए रोड का व्यू कैसा है, और आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। गाइस, सुबह में घूमने का बात ही कुछ और है। गाइस, ये वाला व्यू देखिए, ऐसा लग रहा है हम एरोप्लेन चला रहे हैं, देख सकते हैं बहुत ही शानदार नजारा है। गाइस, मैं क्या बताऊं आपको, आप देख सकते हैं। गाइस, आगे एक मंदिर है, देख सकते हैं, तो यहाँ पर ही हम लोग प्रणाम करेंगे। और शायद सिक्का भी फेंका जाता है ना? नहीं, सिक्का नहीं फेंका जाता है यहाँ, देख सकते हैं क्या शानदार। गाइस, प्रणाम कर लिए हैं, तो चलते हैं। गाइस, गाइस यहाँ पे हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं, तो राहुल मेरा मजाक बना रहा है। गाइस देख सकते हैं, यहाँ पे गेट गिरा हुआ है, ट्रेन भी आ रही है, और हम लोग कजरा पहुँच गए हैं। तो गाइस, ट्रेन चली गई और हम फिर से निकल गए सफर पे। गाइस, रास्ते में एक सूरज मंदिर मिला है, काफी खूबसूरत है, देख सकते हैं। और आगे देखते हैं क्या क्या है। गाइस देखिए, आगे में एक पानी टंकी है, काफी खूबसूरत नजारा लग रहा है। हम लखीसराय हाईवे पकड़ लिए, देख सकते हैं आगे जो है लखीसराय हाईवे है, तो निकल गए हैं। गाइस देख सकते हैं, मिठाई भी मिला हमको वहाँ पे, तो अगर आपको खाना है तो बताइए, ले लेते हैं। लगभग लखीसराय आ गए हैं, और अभी हम लखीसराय ओवर ब्रिज पार करेंगे, तो आपको दिखाते हैं। गाइस देख सकते हैं, आगे आपको एक ब्रिज दिख रहा होगा, देखिए उसी ब्रिज से हम लोग अभी क्रॉस करेंगे, आगे दिख रहा होगा।
सकते हैं लखीसराय पुल के नीचे से हम लोग गुजर रहे हैं और ऊपर से ट्रेन जाती है और नीचे से हम लोग जाएंगे। देख सकते हैं गाइस ऊपर का क्या सीन है, देखिए बसंती टंगा मसाले वाला का दुकान है, सत्तू भंडार है, एकदम फेमस होगा ये लखीसराय मार्केट, काफी फेमस है। कुछ पूजा हो रहा है, काफी सजा धजा है, देख सकते हैं लाइटिंग बहुत मस्त किया गया है यहाँ पर, और अंदर देख सकते हैं क्या नजारा है। इनको देखिए बाइक चला रहे हैं, देखिएगा इनको जगह मिले सो गाइज हम लोग जम्मू इन कर चुके हैं, देख सकते हैं और बारिश का भी संभावना लग रहा है, तो लगता है बारिश होगा, अगर बारिश हुआ तो रुकना पड़ेगा। गाइज जम्मू में आपको सब जगह ये वाइट वाइट पेड़ दिखेगा। गाइज यहाँ पे बारिश होने लगा था तो हमको रुकना पड़ा, टेम हमको एक मंदिर मिला है, बहुत बहुत ही भव्य एकदम मस्त है, तो आपको हम आगे से उसका व्यू दिखाते हैं। भैया क्या जी का मंदिर है? दुर्गा माँ का है ना, गेट उधर से बन रहा है, मूर्ति भी बन रहा है, वही बहुत बड़ा मंदिर है, तीन मस्तक बना है, बना है दूसरा, मतलब तीन चार बार में मॉडल तैयार किया गया, कोई बनवाया नहीं, नहीं जिसे यहाँ पर इलेक्शन होता है मुखिया जी से जीतता है ना उसी में देता है। सो गाइस बारिश छूट गई है और हम मल्लेपुर इन करने वाले हैं, देख सकते हैं अभी हम मल्लेपुर का काली मंदिर आए हैं, देख सकते हैं वैसे अंदर जाके फोटो लेना अलाउ नहीं है तो हम लोग बाहर से ले रहे हैं, अगर अंदर से कभी अलाउ हुआ तो जरूर लेंगे। सो गाइस फिर से हम लोग निकल गए हैं कुंदर की ओर, यहाँ का नज़ारा काफी खूबसूरत रहता है, रोड का देख सकते हैं अंदर का जो रोड का व्यू है काफ़ी मस्त, एकदम पिकनिक स्पॉट लगेगा, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, चारों तरफ रोड बना हुआ है इधर से उधर, ये सब नया बना है, पहले नहीं बना हुआ था, तो पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। और गाइस आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती होता है, करेला प्याज भिंडी ये सब का बहुत ज़्यादा खेती होता है, और यहीं पर मेरे मासी का भी घर है तो वहाँ भी थोड़ा जाएँगे और थोड़ा रेस्ट भी करेंगे। सो गाइज आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।